उड़ीसी की ऐसी क्या विशेषता है जो उसको एक अलग पहचान देती है, जरा आप उसके बारे में बताएंगे? हमारा जो पादभेद होता है, पाद का संचालन जो होता है बहुत किस्म के है, और जैसे स्तंभ पाद, कुंभ पाद, धनुपाद, एकपाद, मीनपुच्छ, ऐसे बहुत सारी किस्म पैर है। इसके साथ हम भंगियाँ भी, भंगिमा जो है, और जैसे चौक त्रिभंगी मैंने तुमको थोड़ा दिखाया है, और ऐसे है बीणा, वेणु, मर्दला, उपाधान, ऐसे बहुत सारी मंजीरा, और अड़सा भी है, पार्श्व मर्दला, ऐसे बहुत सारी है। तुमको दिखाना है कुछ कैसे हम लोग चौक करते हैं, त्रिभंगी कैसे करते हैं, त्रिभंगी कैसे करते? मैंने चौक के बारे में तुमको बता दिया। देखो जगन्नाथ जी के हाथ, हम लोग ऐसे हाथ रखते हैं, और त्रिभंगी, त्रिभंगी आए कृष्ण से, जैसे कृष्ण ऐसे हाथ रहता है तो एक सिर ऐसे होता है, बॉडी स्ट्रेट होता है, ये जो कमर है वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, बैठने से थोड़ा ऐसे हो जाएगा बॉडी, तो पैर ऐसे त्रिभंगी आ जाता है इसमें। तो इसी हिसाब से हमारा पूरा डांस, जितना सारी ये डांस फॉर्म है, जितना डांस है हमारा उड़ीसी में, ये सब ये चौक और त्रिभंगी, चौक त्रिभंगी को फॉलो करके हम लोग चलते हैं। अभी बांसुरी हमको पल्लवी दिखाएंगे। अच्छा। हाँ, पल्लवी तो बहुत लास्यंग होता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। जैसे एक क्या लता जी, एक लता के तरफ, हाँ, हाँ। उसकी छंद जो है वो लता के माफिक जाता है। अच्छा अच्छा। पैर भी ऐसे सब बहुत तो बहुत नरम, बहुत निर्मल मूवमेंट होते हैं। पल्लवी का अर्थ क्या मालूम है? जैसे एक पेड़ पल्लवी तो होता है, छोटा छोटा पत्ता आता है, कोमल पत्ते जैसे आते हैं ना एकदम पहले जो, हाँ, तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वैसे पल्लवी तो हमारा जो पल्लवी तो वो पल्लवी तो हो जाता है, नया नया फूल इसके बाद आता है ना, तो हमारा जो पैर जो आने का जो ये है ऐसे माफिक है, और सबसे इसमें बहुत ये नेक का जो सिर दृष्टि ग्रीवा, ये जो हमारा नाट्य शास्त्र में जैसे लिखा है, तो ऐसे माफिक बहुत, मगर ये उड़ीसी के ढंग में है, जो जितना पैर हमने दिखाए हैं जी, वो पैर सब पद संचालन आ जाए। अच्छा। और कुछ कुछ भंगियाँ, भंगिमा भी उसमें, उसके अंदर पल्लवी में है, और जो फुटवार का जो संचालन चलने का गति जो है वो भी आएगा। अच्छा। और इसमें अभिनय का प्रश्न ऐसे इतना ये नहीं। पल्लवी एक शुद्ध नृत्य है और इसमें अभिनय अंग नहीं है। तो बच्चों, अब हम बांसुरी को बुलाएंगे और देखेंगे पल्लवी, उनके पद संचालन और अर्धमंडली, आप ध्यान से देखें, ठीक है? तीन नग दा तीन 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 ती
जैसे अन्य नृत्य शैलियों में कुछ विशेष ताल होते हैं, तो ज़रूर उड़ीसी में भी बहुत ऐसे विशेष ताल होंगे। ज़रा हमें जानकारी देंगे तालों के बारे में? जरूर। हमारा सबसे जो ताल होता है एक ताली। अच्छा। और जति ताल भी लेते हैं और झंपा भी लेते हैं, और एक बहुत कठिन ताल है सात मात्रे के अंदर जो हम आड़ी आड़ी ताल कहते हैं, बोलते हैं उसको। हाँ। अच्छा जी, आप हमें कोई ताल सिखाइए। हाँ माँ, ऐसे में ये बच्चे लोग के लिए जो बहुत तो सरल है, सरल है जी, इसी ताल को मैंने उन लोग को पहले सिखा रहे हैं कि अच्छा। दिखा रहे हैं, वो है एकताली, चार मात्रा के ऊपर आधारित है, तो उसको हम पहले दिखाते हैं। दिखाए ta 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 ta